और गाइस हमें MG हेक्टर में और ये जो है वो कमाल के फीचर्स के साथ में आने लग गई है। इसके अंदर 11 ADAS फीचर्स हैं दोस्तों जो इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये अपने सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट बन चुकी है जिसके अंदर ADAS फीचर आ रहे हैं। क्योंकि इसके बाद अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि केवल और केवल महिंद्रा XUV700 के पास में है ADAS फीचर्स, वरना अगर इसका जो डायरेक्ट राइवल है जैसे कि क्रेटा हो गई या किया सेल्टॉस हो गई, स्कॉर्पियो, ये सब सफारी हैरियर वगैरह, इनके अंदर बिल्कुल भी ADAS फीचर्स नहीं आते हैं। हाँ, टाटा सफारी के अंदर ADAS फीचर्स आने वाले हैं कुछ ही टाइम पे, देखते हैं उनके अंदर क्या क्या इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। बट उससे पहले हमने इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया है और यहाँ से डीएक्टिवेट कर देते हैं इसका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। अब देखो जैसे ही मैं इसको राइट साइड में या लेफ्ट साइड में घुमाऊंगा ना, तो अभी तो ये पार्क्ड है, तो आप टर्न इंडिकेटर की तरफ ध्यान देना। ये देखिए ये टर्न इंडिकेटर एक्टिवेट क्यों हुए, ये इसलिए हुए क्योंकि न जाने कई बार जो है वो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है हम लोगों के साथ में कि हम अचानक से गाड़ी को लेके जो है वो निकलने लग जाते हैं। पीछे से आई हुई जितनी भी गाड़ियां उनको इंडिकेट कैसे होगा, उनको दोस्तों पता कैसे चलेगा कि यार हम जो एक मेरे से आगे जो फॉरवर्ड कार है वो जो है वो एकदम से ट्रैक पे आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली या फिर इसको MG बुला रहा है इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर। इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर का काम ही यही है कि जब भी मैं अननेसेसरी में एक सर्टेन एंगल से ज्यादा जो है वो एंगल चेंज करूंगा स्टेयरिंग का तो वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ADAS क्योंकि ADAS स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम और ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम का यही मतलब है कि वो कहीं ना कहीं गाड़ी को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाए और वो अपने आप जो है वो गाड़ी यहां पर चलने की थोड़ी कोशिश करे, या इनफैक्ट मैं ये ज्यादा कहूंगा कि वो ड्राइवर की सेफ्टी को थोड़ा सा इम्प्रूव करे या एनहांस करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अब ADAS जो है वो मैंने जैसे आपको बताया 11 सेफ्टी फीचर्स के साथ में आ रहा है, उनमें से जो सबसे बेहतरीन फीचर्स हैं वो है एक तो ट्रैफिक जैम असिस्ट और एक टर्न, एक तो ये मैंने इंटेलिजेंट टर्न आपको बता दिया था, एक और है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो कि एज लो एज 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्टिवेट यहाँ पर हो जाता है, और इसके अलावा लेन चेंज असिस्ट और हाई बीम असिस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगी। और हाई बीम असिस्ट जो है वो आपको रात में कभी देखने को बताएंगे, उसमें क्या है कि अगर आपकी लाइट जो है वो हाई बीम पे है जैसे कि मैंने फिलहाल ऑन कर दिया और सामने से जो है वो एक गाड़ी आ रही है और उसकी भी टर्न लाइट जो है वो एक्टिवेटेड है तो ये ऑटोमेटिकली लो बीम पे कर देगा अनटिल अनलेस वो गाड़ी जो है वो क्रॉस नहीं कर जाती रॉन्ग साइड से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से अगर कोई गाड़ी आ रही है और वो हाई बीम पे है या लो बीम पे है व्हाटएवर बीम द कार इज ऑन, उसके डिटेक्शन के थ्रू सेंसर जो है वो एक सिग्नल भेजेगा, ECU जो है वो एक सिग्नल भेजेगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक का जो लाइट्स हैं वो एक्चुअली लो बीम पे चली जाएंगी। वो बहुत सिंपल सा है। अब हम एक्टिवेट कर देते हैं इसका पायलट मोड और आगे जाने वाली जो रिट्स है, चलो रिट्स से ही थोड़ा कम्पीट करते हैं। ये तकरीबन मेरी गाड़ी अगर आप देखें यहाँ पर तो तकरीबन 75 के करीब जो है वो यहाँ पर चल रही है फिलहाल। ये मैंने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट कर दिया है और स्पीड को जो है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ पर। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दोबारा एक्टिवेट कर दिया है और उसको रखते हैं 75 की स्पीड पे। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 75 की स्पीड पे जो है वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मेंशन्ड है, बट मेरी स्पीड कितनी है अभी 55-56 और अब ये धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे से आगे जो गाड़ी है जिसपे आप एम्बुलेंस फिलहाल देख रहे हो वो इतनी तेज़ नहीं चल रही है और ये उसको सरपास नहीं कर सकता, रीज़न बीइंग अगर ये तेज़ चलाएगा तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्राइक कर जाएगा, तो ये उसकी स्पीड को देखते हुए सेंस करते हुए उस सेफ डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर रहा है और वो सेफ डिस्टेंस मेरे ख्याल में तकरीबन 20 मीटर के आसपास या 15 मीटर के आसपास यहाँ पर रहती है। तो फिलहाल इसको करते हैं सरपास क्योंकि 50 की स्पीड पे फास्टेस्ट लेन पे इज़ नॉट अ गुड आइडिया, तो फिलहाल मैं अपनी लेन को जो है वो यहाँ पे चेंज करूँगा और मैं फोर्सफुली लेन चेंज कर रहा हूँ और मैं अभी फ़िलहाल मिड वाली जो है वो लेन में यहाँ पे आ चुका हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो 75 के करीब होनी चाहिए, बट क्योंकि मेरे से आगे जो गाड़ी है वो थोड़ी स्लो चल रही है तो मेरी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो गई है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, लेन की असिस्ट या लेन चेंज या लेन डिपार्चर वार्निंग के साथ में जो है वो मैंने फिलहाल एक्टिवेट कर दिया, ये रहा उसका बटन। अब जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा यू विल रियलाइज कि ये जो इसका स्टेयरिंग है वो सेल्फ कंट्रोल कर रहा है और गायरोस्कोप होने की वजह से वो उसको अपने आप जो है वो बैलेंस कर रहा है, वो मुझे इन दोनों लेन में से जो है वो ना लेफ्ट ना राइट जाने नहीं दे रहा। अब जाने क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली सेंसर लगे हुए हैं, वो रेडार जो है वो उसको अलाउ कर रहे हैं, वो रीड कर रहे हैं उस मैपिप को। फिलहाल इसने बोला प्लीज़ होल्ड द स्टेयरिंग व्हील, तो मैं स्टेयरिंग व्हील को होल्ड कर लेता हूँ और बता देता हूँ कि नहीं, मैं स्टेयरिंग व्हील मेरे हाथ में जो है वो जमे हुए हैं। बट अगेन आपको क्योंकि दर्शाना है तो मैं दोबारा से आपके लिए एक अच्छा व्यू आपको मिल जाए वो स्टेयरिंग जो है वो
छोड़ूंगा यहाँ पे, और ये देखिए आप हल्का सा शिफ्ट जो है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल हम करते हैं स्क्रूज कंट्रोल को 85 पे। अब मैंने यहाँ पे 85 जो है वो तय कर दिया है। अब ये आगे की स्पीड को जो है वो जज करेगा और उसी हिसाब से जो है वो मेरी स्पीड को यहाँ पे कम और ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। अभी आगे वाली जो गाड़ी है वो तकरीबन 80-85 के आसपास ही चल रही है। अब मैं अपनी टॉप रेंज पर आ चुका हूँ। मैं इसको दोबारा कमांड देता हूँ और मैंने 105 अपनी स्पीड जो है वो यहाँ पे कर दी है। अभी पहुँचेगी इसलिए नहीं क्योंकि मेरे से आगे जो गाड़ी है वो 105 की स्पीड से कम स्पीड पर फिलहाल चल रही है एंड वो सेफ जोन मेंटेन करके यहाँ पर चलेगी। इस वजह से आपको एक डिक्रीज इन स्पीड नज़र आएगा। दिस इज़ कॉल्ड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ये देखिए उसने ब्रेकिंग की तो इधर भी जो है वो यहाँ पर ब्रेक लग गए। और ये देखिए लेन को कैसे ये अपनी एक निर्धारित जो लेन है उसी लेन में फिलहाल चल रही है। मेरे से आगे स्विफ्ट है, उसने स्पीड अपनी कम करी तो मेरी स्पीड जो है वो क्रूज़ कंट्रोल की 105 सेट थी, बट अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो 63-64 पे जो है वो चल रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि लेन में यहाँ पे चेंज करूँ और राइट साइड में जो है वो रखूँ। जैसे ही मैं राइट साइड में रखूँगा लेन चेंज करके, अगर मैं अगेन लेन असिस्ट ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल की लिमिट जो है वो 110 कर देता हूँ, तो अब ये देखिए खुद ब खुद जो है वो स्पीड को बढ़ाएगी। थोड़ी सी मेरी लेन चेंज हुई और अगेन मैं फास्टेस्ट लेन में जाने की कोशिश करता हूँ। 110 की जगह मैं 120 यहाँ पर स्पीड रखता हूँ। लेट्स सी कि ये आगे वाली स्पीड से कितना डिटेक्ट करके चलती है। तो आगे जो गाड़ियाँ हैं अभी तो सेफर डिस्टेंस यहाँ पर मेनटेन्ड है, बट ये देखिए वहाँ पर डिक्रीज आप देखोगे स्पीड में, तो इसी रीज़न की वजह से आप यहाँ पर भी एक स्पीड में डिक्रीज होता हुआ आपको नज़र आने वाला है। सो दिस इज़ ऑल ADAS अबाउट। और ADAS के अलावा कुछ और फीचर्स इसके अंदर आते हैं जैसे कि ट्रैफिक जैम असिस्ट, वो आपको किसी दिन ट्रैफिक जैम में करके दिखाएंगे, बट उसको धीरे से एक्सप्लेन कर देते हैं। और वो ये है कि जब आप ट्रैफिक में चलते हैं तो एक सेफर डिस्टेंस वो आगे वाली गाड़ी से बना के रखेगी, यानी कि वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का एक लाइटर वर्जन है। लाइटर इन द सेंस कि स्पीड में लाइटर वर्जन है, बट ज़्यादा एक्यूरेट वो तब होता है जब आप ट्रैफिक जैम में रहते हैं या फिर आप सिटी में चला रहे होते हैं जहाँ पे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पर अक्सर आप देखते हैं सिटी में जो है वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। वो बम्पर टू बम्पर कहलाया ही इसलिए जाता है कि बम्पर से बम्पर आगे वाले के रियर बम्पर से और आपके रियर बम्पर जो है वो टकराते हैं, वो मिक्स होते हैं, वो आसपास रहते हैं, इस वजह से उसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कहा जाता है। अब वो सिचुएशन ना क्रिएट हो कि वो बम्पर टू बम्पर जो है वो चुम्मेश्वरी यहाँ पे चुम्मा दे दें एक दूसरे को और आपका जो बम्पर है वो यहाँ पे डैमेज हो जाए। तो वो डैमेजिंग सिचुएशन को बचाने के लिए ट्रैफिक जैम असिस्ट जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो MG की तरफ से आता है और वो आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी तो इसके अंदर स्क्रीन है जो 14 इंचेस की स्क्रीन है, इससे मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, बट हो सकता है आपको ये पसंद इसलिए भी ना आए क्योंकि जो एयर कंडीशनिंग यूनिट के वेंट्स हैं वो यहाँ पर नॉब स्टाइल्ड या थोड़े बटन स्टाइल्ड होने चाहिए। उनको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कापले जो है वो एक्टिवेटेड है और यहाँ मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मुझे पहले जाना पड़ेगा नॉर्मल इस बटन को दबाना पड़ेगा, फिर मुझे इस बटन को यहाँ पे दबाना पड़ेगा, फिर मुझे इस बटन को यहाँ दबाना पड़ेगा। अब मुझे रियलाइज होगा कि यहाँ से जो है वो कंट्रोल्स कहाँ दिए गए हैं, यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड दी गई है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया, तो ये बहुत ही टिपिकल सा हो जाता है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता अनटिल अनलेस आपके पास में बटन्स ना हो। तो बटन से आप तुरंत ही ऑन ऑफ कर सकते हो, तुरंत ही ऑन कर सकते हो और अगर आप चाहें तो उसी हिसाब से अपने टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, तो वो चीज़ ज़रूर मुझे लगता है कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ है। और बटन्स होने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पिछले वाले हेक्टर में भी यही थोड़ा सा इशू था कि बटन्स एटलीस्ट AC के जो है वो वहाँ पर भी नहीं दिए गए थे, वो होने ज़रूरी मुझे कहीं ना कहीं लगता है। सो दिस इज़ ऑल ओवर टुडे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो आई होगी पसंद। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा कंटेंट आपको मिले, कुछ नॉलेज मिली है, तो ज़रूर आप शेयर कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय अगेन। कीप प्लेइंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।